मुझे काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर, जो 60s 70s में जिस तरह से सस्पेंस फिल्में हुआ करती थी, आदमी चौंक जाता था, आदमी सोचता था एक है और सीन अलग निकलता था, यानी आदमी को लगता था अभी ऐसा होगा लेकिन नहीं होता और दूसरा कुछ होता है। ये जो टर्न एंड ट्विस्ट का जो खेल है, जो शॉक देती है, ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाता है, ये इसमें है। फर्स्ट आप जबरदस्त है, आप हिल नहीं सकते, कुर्सी से हिल नहीं सकते, ऐसे एक ऐसे ऐसे चकमे देती है फिल्म इंटरवल तक। उसके बाद थोड़ी सी ढीली पड़ गई है पिक्चर, लेकिन लास्ट में फिर से पिकअप कर देगी दे है। तब तब्बू का तो बहुत अच्छा लगा, तब्बू का इसमें मैं ओपनली कहना प्रॉब्लम नहीं होगा, तब्बू इसमें नेगेटिव रोल में है, काफ़ी अच्छा रोल किया है। और आकाश खुराना जो अंधे के रोल में है, आयुष्मान खुराना जो अंधे के रूप में है, रोल में है, उन्होंने जो एक्टिंग किए वो बेहतरीन है। राधिका आप्टे का फ्लेवर जो हमेशा हम देखते वही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अचंभित करने वाली बात लगी अनिल धवन का रोल। एक ज़माने में अनिल धवन हीरो थे 70s में, बाद में वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने थे, लेकिन उनका उस करियर का जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे प्रदीप सिन्हा नाम का वो स्टार बता है और सही तरीके से यूज़ कर दिया है। उनकी मर्डर हो जाती है और पिक्चर जो एक 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 टर्न लेती है, हेड्स अप टू डायरेक्टर। और पिक्चर ऐसी देखनी चाहिए। अभी हिंदी फिल्म में हम लोग पिछले 2-3 साल से जो देख रहे हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, अलग अलग कहानियाँ आ रही है, उस फिल्म का जो ऑडियंस है जो कुछ अलग देखना चाहती है, जो कमर्शियल उसमें वैल्यूज है, ये इस फिल्म में है। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार दे दूंगा। मुझे काफ़ी अच्छी फिल्म लगी है ये, जिस तरह से इसकी कहानी है, ये अनोखी कहानी है और इसके अंदर जो है एक मिस्ट्री को दिखाया गया है, तो इस तरह के जॉनर जो पसंद करते हैं उन्हें अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म पर्सनली। इसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, खास करके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो लुभाता है कहानी को, वो साबित करता है। स्टोरी कैसी लगी आपको, क्योंकि अंधाधुन मतलब एक ब्लाइंड पर्सन एज एक्टिंग कैसी लगी आयुष्मान? इस स्टोरी को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कैसी लगी। मुझे जो ये स्टोरी लगी है वो बहुत अच्छी लगी है। ये इसमें कई सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, तो वो जो ट्विस्ट और टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं कहानी को। अभी ट्विस्ट और टर्न क्या है वो अगर मैं बता दूंगा तो फिर दर्शकों को देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन जो भी वो देखने आएंगे वो बहुत अच्छा है मुझे ऐसा लगता है। कुछ एक लॉजिकली चीज़ें हैं, अब उतना तो क्रिटिक्स में क्या क्या चीज़ें वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहानी अच्छी है, अनोखी है, दिलचस्प है, नई तरह से इसे पेश किया गया है तो वो देखने में मज़ा आता है। तीनों अदाकार बेहतर हैं, आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू, लेकिन सबसे बेहतर मुझे लगी है तब्बू। सबसे अहम किरदार उनका है, उनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। आयुष्मान खुराना और तब्बू आखिर तक स्क्रीन पर बने रहते हैं। राधिका आप्टे भी हैं, उनका रोल ज़्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने अच्छे से काम किया है। बट तब्बू ने जो है बहुत ही शानदार अदाकारी की है। कई सारे उसके अंदर शेड्स हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ग्रे शेड है, तो ये सब मिलकर बहुत अच्छी लगती हैं वो स्क्रीन पर। आयुष्मान भी अच्छे हैं। कोई डायलॉग्स जो आपको याद हो, मतलब डायलॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मतलब आयुष्मान खुराना एक डायलॉग बोलते हैं कि मेरी जो कहानी है वो अधूरी है, तो उन्हें राधिका कहती हैं कि कुछ चीज़ें अधूरी होती हैं तो अच्छी लगती हैं, उंगली कर उन्हें बिगाड़िए मत। इस तरह के कुछ जो डायलॉग हैं वो बहुत अच्छे हैं, लिखे बहुत अच्छे से गए हैं। जो एक डायलॉग जो है दूसरे डायलॉग से जब जुड़ जाता है तो सुनने में देखने में मज़ा आता है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार वो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, तो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और कहानी अच्छी लगती है और कई सारे रहस्य हैं वो खुलते जाते हैं। आउट ऑफ 5 इसका जो जॉनर है, अदाकारी जो है, उन सब चीज़ों को मिलाकर मैं इसे 3.5 स्टार देना चाहूँगा। अंधाधुन फिल्म कैसी लगी आपको? आयुष्मान खुराना की जितनी तारीफ करें उतना कम है, और स्पेशली उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अंधाधुन के तरीके से कहानी अलग अलग मोड़ पे ले जा रही है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि पैसा वसूल। और तब्बू मैम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मान गए, इतनी बेहतरीन अदाकारा है, खेलती है वो आंखों से, बहुत 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 आंखों से खेलती है, उनके डायलॉग डिलीवरी और जो शातिरपना उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर इस बार देखने को मिला है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आखिरी में जाकर के वो सीधी सादी हो जाएंगे, लेकिन आखिर तक भी शातिरपना उनका लगातार बना हुआ था। स्टोरी को ना रिवील करें, लेकिन हाँ
ये चीज़ जो बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं, और जो उनकी आंखों का इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको आखिर तक बांध के रखेगा, स्क्रीन प्ले का कमाल है। और कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर श्रीराम राघवन सर, सो डायरेक्शन कैसा लगा सर? डायरेक्शन बहुत बेहतरीन था, लेकिन जहाँ तक कहानी की बात है तो ये एक ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खामी भी बता सकते हैं, अगर ये बता रहे हैं कि थ्रिलर फिल्म है और कई मोड़ आते हैं, लेकिन बहुत सारी खामियाँ इस तरह की, जैसे CCTV फुटेज का इस्तेमाल पुलिस करती है और बहुत आसान है किसी को पकड़ लेना, और जैसा कि एक और था कि पड़ोसन जो होती है जिसने देखा है पूरी मर्डर मिस्ट्री, वो एक बहुत पुरानी प्रिंसिपल है, बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं, अचानक से एक प्रिंसिपल का मर जाना, और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये जो मर्डर केस शुरू हुआ था एक बहुत बेहतरीन एक्टर प्रमोद कुमार को लेकर हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि तलवार फिल्म अगर आपने देखी होगी तो एक छोटा सा भी केस बहुत बड़े लेवल पर लिया जा सकता है, लेकिन ठीक है मनोरंजन है और बॉलीवुड को मनोरंजन ही बहुत पसंद है, हाँ, लेकिन अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वो चीज़ें वो कमियां जरूर मिस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हमारा काम भी है बहुत ध्यान से फिल्मों को, हम अगर आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे जो मीडिया भाई आपको जब रिव्यू देते हैं तो हम लोग बहुत डिटेल्स में फिल्म देखते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे जो रिव्यूज़ है थोड़े अलग होते हैं पब्लिक, ये मतलब स्पेशली मैं अपनी पब्लिक को बताना चाहता हूँ। सो ओवरऑल अगर मैं अंदाज़ उनका पूछूं तो कितने स्टार्स दो? 3.5 स्टार। 3.5 स्टार्स? यस। ओके, तो मतलब काफ़ी बढ़िया फिल्म है, रेकमेंड। बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मेरा नाम है अमरप्रीत। गाइज, अभी मैं फिल्म देख कर आया हूँ अंधाधुन प्रेस स्क्रीनिंग पर और मैं उसका आपको रिव्यू दे देता हूँ। सो ये फिल्म श्रीराम राघवन की न्यू फिल्म है, उन्होंने फिल्म जॉनी गद्दार डायरेक्ट की थी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट की थी बदलापुर, दोनों सुपरहिट फिल्में रहीं, स्पेशली जो स्टोरी है बहुत पसंद किया गया और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में थी। कहना पड़ेगा अंधाधुन जो फिल्म है उससे भी 2 कदम आगे है, बहुत ही गजब का डायरेक्शन है। अब ऐसे डायरेक्शन पे वैसे भी कोई शक करता नहीं है, उनके डायरेक्शन पे बहुत ही गजब का डायरेक्शन है, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे हुए हैं फिल्म में। मैं फिल्म की स्टोरी आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है वो ही मेन पार्ट है। आपको ट्रेलर में जितना थोड़ा बहुत देख के समझ में आता है ना, उतना ही दिमाग लेकर जाओ और ये फिल्म ज़रूर देखने जाओ। अगर मैं बात करूँ एक्टर्स के काम की, आयुष्मान खुराना बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने, स्पेशली तबू मैम जो है उन्होंने ब्रिलियंट एक्टिंग की है। तबू मैम जिस तरीके से खेलती हैं अपने एक्सप्रेशन से, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। बहुत पुरानी एक्टर है, बहुत मंझी हुई एक्टर है और मज़ा आता है यार उनको स्क्रीनिंग पे देख के। और बाकी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स की भी, राधिका आप्टे की भी बढ़िया एक्टिंग है। सो स्पेशली जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो आपको बिल्कुल एंगेज करके रखता है, और 2 मिनट का भी ऐसा टाइम नहीं है जब आप हिलोगे या फिल्म में बोर होगे। ये मस्ट वॉच फिल्म है, आपको जाके ये फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म को मैं रेट करता हूँ 4.5 out of 5। तो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज सब्सक्राइब टू वायरल बॉलीवुड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वायरल बॉलीवुड। सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब।